अब मैं क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। भूख और प्यास से लगता है मेरा प्राण निकल जाएगा। भगवान, लोग कहते हैं कि तुम गरीब पर तरस खाता है, परंतु तेरा हृदय में तरस नाम का शब्द ही नहीं है भगवान। भगवान, तूने मुझे अनाथ बना दिया। तू भी किसी पापी से कम नहीं है भगवान। तू हमेशा अमीरों के साथ देता है। हाय भगवान, ये कौन? पानी। हाय भगवान, ये बेचारा न जाने कब से प्यास के कारण तड़प रहा है। आप कौन है देवी, जो हम जैसा एक अभागा गरीब पर उपकार किया? मैं कौन हूँ आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप बताइए आप कौन है। मेरा नाम रोशन है, मैं एक गरीब का बेटा हूँ। आप मुझे पानी पिलाकर एक नया जीवन दिया है, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मैं कोई उपकार नहीं किया, मैं तो केवल अपना फर्ज निभाया हूँ। एक प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। आप तो अपना फर्ज निभाई, परंतु मुझ पे इस फर्ज का कर्ज रख दी। मैं इस कर्ज को अवश्य पूरा करूँगा। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं आप, छोड़िए इन बातों को, ये लीजिए फल, भूख लगी होगी खा लीजिए। परंतु ये तो भगवान के लिए है। आप भी कोई भगवान से थोड़ी ही कम है। मैं एक अभागा गरीब, भला मुझे कौन पूछता है। अपने आप को अभागा कभी नहीं समझना चाहिए, आप अभागा नहीं है। मेरी प्यारी माँ, बहन, पिता सब के सब मर गए, मुझसे अभागा और कौन हो सकता है। धीरज से काम रखिए, आप अभागा नहीं, आपका समय अभागा है। कोई भी मनुष्य अभागा नहीं होता, परंतु उसके किए हुए कर्म के अनुसार हर किसी का समय अभागा हो जाता है। तुम ठीक कहती हो, हर व्यक्ति का समय अभागा होता है, परंतु मैं खुद ही अभागा हूँ। क्या मैं कुछ बातें पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, एक क्या, 100 से भी ज्यादा बातें पूछने की इच्छा है तो पूछ सकती हो। आपके माँ बहन और पिताजी कैसे स्वर्गवास हो गए? मेरा दुख भरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगी? खैर, हकीकत बताने से दिल दुखता है, दमन सहा नहीं जाता, ये बेधता है। छोड़कर आया हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ, बनूंगा डाकू, अब यही एक रास्ता है। क्या आप डाकू बनेंगे, परंतु क्यों? मेरा एक खुशी भरी दुनिया थी, जो एक दौलतमंद पापी घमंडी ने मेरा दुनिया में आग लगा दिया है और मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मुझे पुलिस का हथकड़ी ढूंढ रही है। वो नालायक कौन है जो आपकी खुशियाँ में आग लगाया है? हमारे पड़ोस वाले गांव का जागीरदार शेठ श्याम सुंदर सिंह, जो कि हमारे सारे अरमानों को कुचल कर मिट्टी में मिला दिया। क्या तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी ऐसा पाप हरगिज नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अवश्य कोई गलत फहमी हो गई होगी। तुम शेठ श्याम सुंदर सिंह की बेटी हो, उस गिदर का जो हमारा पिता और बहन का हत्यारा है। अगर मैं पहले जान गया होता कि तुम सेठ की लड़की हो, तो तेरा इस गंदी हाथ की पानी कभी नहीं पीता और तेरा गाला घोंट देता। परंतु तू मुझे पानी पिलाकर एक नया जीवन दी है, इसलिए मैं विवश हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पिताजी ऐसे पाप करेंगे। हाँ, तुझे विश्वास नहीं होगा, मैं पूरा पूरा जानता हूँ। परंतु जो हम पे तेरे पिता ने जुर्म किया है, उसे मैं भूल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया? ये तो वही जाने ऐसा क्यों किया। मेरे सारे अरमान को जलाकर मुझे बागी बनाने पर मजबूर किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ अपने पिता को इस बगावत का चुनौती देना, अब वो अधिक दिनों तक इस धरती पर नहीं रह पाएगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रही है मेरे पिताजी ऐसा घटिया पाप करेंगे। आपको मेरी कसम, आप कहिए कि मेरे पिताजी ऐसा पाप नहीं किए हैं। अरे नाजायज बाप की नाजायज बेटी, अपने भोली भाली बाप से मुझे नहीं बहला सकती। तेरा भाई विशाल मेरी प्यारी बहन के साथ और तेरा बाप मेरे पिताजी के साथ जो अन्याय किया है, उसे मैं कदापि नहीं भूल सकता। जी कहता है तेरी भी वही हालत बना दूं जो मेरी बहन के साथ तेरा भाई ने किया था, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दुश्मनी तेरा भाई और तेरा बाप से है। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ,
लेकिन आज मैं आपके चरणों में पड़ी हूँ, आपको जो उचित लगे कीजिए। अपने सच्चे दिल से कोई भी व्यक्ति किसी की चरण में गिर जाए तो उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति उसे माफ नहीं करता उससे पापी इस दुनिया में और कोई नहीं होता। आप कितना उदार है, एक दुश्मन की बेटी को मुस्कुरा कर माफ किए। आप अपना कर्तव्य कीजिए, मैं इस बगावत में आपका साथ दूंगी। लेकिन ऐसा क्यों? हर लड़की अपने पिता और भाई का लंबी उम्र का वरदान मांगती है, और तुम? भाई और पिता वरदान के लायक हो तब तो उसके लिए लंबी उम्र का वरदान मांगा जाता है। तुम भी गजब लड़की हो जो अपने पिता का विरोध करोगी। क्यों नहीं करूं? जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सताए उसे इस पृथ्वी पर रहने का कोई स्थान नहीं। धन्य है आप, धन्य है। आपका भावनाएं एक दुलारा हुआ बाप का एकलौती बेटी अपने पिता के बुरा भावना को जानकर स्वयं पिता के दुश्मन बन गई। आप जाइए और अपना वचन पालन कीजिए, भगवान आपको सदा साथ देंगे। रण क्षेत्र में जाते समय आंसू नहीं हृदय कठोर करना चाहिए। शांति, मुझे विश्वास है कि तू मेरा साथ दोगी। तेरा साथ मिला, इससे बड़ा साथी मैं किसी और को नहीं मानता। होशियारी से रहिएगा, कहीं सपना अधूरा न रह जाए, न जाने हम दोनों का मुलाकात कब होगी। तुम अपना ख्याल रखना, कहीं भी रहूंगा ठीक रहूंगा। ठीक है, आप जाइए, भगवान आपका सदा साथ दे। तुम इस तरह आंसू नहीं बहाओगी, मैं एक बार तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, ये मेरा वादा रहा। प्यार हो।